इसमें दो प्रकार के हिंदू रहते हैं, एक हिंदू हम हैं, एक हिंदू हम हैं जिसमें हम जाट भी आते हैं, मुस्लिम भी हिंदू है और हम मुस्लिम भी है, हम सिख भी है, हम ईसाई भी है, और एक हिंदू है नागपुर वाले जो काली नहकर पहन के इस देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन ले, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सुन ले, निश्चित रूप से हम लोग मुस्लिमों के साथ रहेंगे, क्योंकि एक समाज आज जाट के साथ जुड़ा है और एक समाज जाट उसके साथ जुड़ा है। मुस्लिम समाज के साथ आज जाट है और जाट के साथ आज मुस्लिम समाज है और वो हमारे भाई हैं। भीमराव अम्बेडकर ने एक नारा दिया था, केवल केवल धर्म एक है, वो है हम लोग भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम आर्यवर्त के रहने वाले हैं, हम इंडिया के रहने वाले हैं। दोस्तों, पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नू मेवात हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई वो देश और दुनिया के सामने है, और किस तरीके से नू मेवात में एक बड़ा तबका जो कि जाट समुदाय है, उन्होंने इस दंगे पर जो समझदारी दिखाई वो काबिले तारीफ कदम है। अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो नू मेवात में हुआ, क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और 2013-14 जीतना था इसलिए ये दंगे हुए, और 2024 जीतना है तो नू मेवात को खासतौर पर मुजफ्फरनगर बनाने की कोशिश हुई है, तो कैसे देखते हैं जो जाट समुदाय ने इस बार समझदारी दिखाई? पहले तो पलपल न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, केवल एक बात कहना चाहता हूँ। जब जब इस भारतीय जनता पार्टी का एक कार्य है, और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्य ये है, जब जब कोई दंगा होता है या दंगा कराने का ये लोग काम करते हैं, तब तब ये जाट को याद करते हैं। तब सन 2013 की अगर मैं बात करूं, सन 2013 में एक दंगा हुआ, एक सांप्रदायिकता का हिंसा का माहौल इन लोगों ने बनाया, तब इन लोगों ने उसको नाम दिया जाट वर्सेस मुस्लिम। अगर कोई बात आती है तो हम लोगों को हिंदू ये लोग कहते हैं, लेकिन जब जब कोई घटना होती है, किसी प्रकार की कोई बात होती है, आज ये लोग हम लोगों को हिंदू कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि हिंदू आज लड़ाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं सन 2013 की बात करूं, तो सन 2013 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको जवाब दिया, उसको नाम दिया जाट वर्सेज मुस्लिम। इसी प्रकार से नूह में, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और मेरा निश्चित रूप से, क्योंकि एक समाज आज जाट के साथ जुड़ा है और एक समाज जाट उसके साथ जुड़ा है। मुस्लिम समाज के साथ आज जाट है और जाट के साथ आज मुस्लिम समाज है, और वो हमारे भाई हैं, हमारे मजहब के रहने वाले हैं, हम लोग उनको प्यार करते हैं, हम हमेशा उनके साथ खड़े मिलेंगे, हर प्रकार से खड़े मिलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन ले, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन ले, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सुन ले, निश्चित रूप से हम लोग मुस्लिमों के साथ रहेंगे। और जो ये बात कर रहे हैं सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सन 2024 का इलेक्शन खड़ा है, और सन 2024 के इलेक्शन की वजह से इन लोगों ने सांप्रदायिकता का माहौल बनाया, और तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए ये लोग कहीं ना कहीं एक समाज को भटका के और निश्चित रूप से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मैं जरूर कहना चाहता हूं, अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है, प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। ये हरियाणा भी हारेंगे, ये राजस्थान भी हारेंगे, पंजाबी ये हार चुके हैं, और जिस दिन केंद्र में सरकार बन जाएगी विपक्ष की, जिस दिन केंद्र में विपक्ष का कोई अच्छा प्रधानमंत्री बन जाएगा, मैं निश्चित रूप से कहता हूं उत्तर प्रदेश के 100 विधायक आज विपक्ष को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अभिषेक हमने ये भी देखा कि जैसे ही जाटों की बात आती है और नू मेवात में जाटों ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का साथ नहीं दिया, तो साफ तौर पर ये सर्टिफिकेट बांटने लगे कि साहब ये तो हिंदू है ही नहीं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ ये केवल केवल भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, और भारतीय जनता पार्टी की क्या साजिश है आप नहीं समझेंगे। और देश की जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, ये कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अमित शाह का, जो इस देश के गृह मंत्री है, वो कहते हैं 15 लाख वाली बात पे कि जुमले वाली बात, कि ये तो एक जुमला था। ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, आज भी ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और मैं निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के,
कृपया करके गुमराह ना हो। वोट का जो आपको एक अधिकार संविधान में दिया गया है, संविधान में जो अधिकार दिया गया उसका अच्छे से प्रयोग करें और सन 2024 में इस सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करें, वरना अब की बार तो इलेक्शन हो रहा है, अब की बार तो इलेक्शन हो रहा है, आने वाले समय में नेपाल नरेश, चीन नरेश ये नाम अपने आप को देंगे। क्यों? क्योंकि देश का जो राजा है, देश का जो प्रधानमंत्री है, वो अपने आप को बादशाह मनवाने की, जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मेरे देश के किसान, पीड़ित किसान, मजदूर, बेरोजगारी किस स्तर पे आज मेरे देश में है, किसान किस प्रकार से, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, गन्ने क्षेत्र से आता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से आता हूँ, वहाँ पे गन्ना की जो फसल उगती है उसका पेमेंट पिछले साल का आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग, धर्म में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और भीमराव अम्बेडकर ने एक नारा दिया था, केवल धर्म एक है, वो है हम लोग भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम आर्यवर्त के रहने वाले हैं, हम इंडिया के रहने वाले हैं, ये बांटने का काम कर रहे हैं। और मैं जरूर कहता हूँ अब देश का नागरिक बटेगा नहीं। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा अभिषेक आपसे, क्योंकि हमने देखा कि जब किसान सड़कों पर उतरे तो ये बताया गया कि साहब ये तो जाटों का आंदोलन चल रहा है, जब बहन बेटियों के साथ में बदसुल्की ब्रिजभूषण ने की तब ये बता दिया गया है ये तो जाटों की लॉबी चल रही है सरकार के खिलाफ। तो कैसे देखते हैं, जब आप लोगों को उनके साथ की ज़रूरत थी तब साथ दिया नहीं, और जब उन लोगों को साथ की ज़रूरत थी तो आपने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और अब ये कहा जा रहा है कि साहब ये तो हिंदू ही नहीं है। देखिए, हम हिंदू भी हैं, हम मुस्लिम भी हैं, हम सिख भी हैं, हम ईसाई भी हैं, हम हर वर्ग के हैं। और ये लोग जो हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, और एक देखिए देश के एक बहुत बड़े किसान नेता ने एक नारा दिया, मैं उनका बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, राकेश टिकैत जी ने, इसमें दो प्रकार के हिंदू रहते हैं, एक हिंदू हम हैं जिसमें हम जाट भी आते हैं, मुस्लिम भी हिंदू है और हम मुस्लिम भी हैं, हम सिख भी हैं, हम ईसाई भी हैं, और एक हिंदू है नागपुर वाले जो काली नहकर पहन के इस देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक इंडिया में रहता है, एक भारत में रहता है, हम लोग इंडिया में भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में किसान का जो बच्चा पढ़ लिख के निश्चित रूप से इंडिया में रहने का काम कर रहा है। तो ये लोग अगर हम लोगों को हिंदू हमारी आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोगों को कहेंगे, हम लोगों के दर्ज कराते हैं कि हम हिंदू है कि नहीं है, इनके पास क्या है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह को, भाई तुम क्या प्रूफ आपके पास है कि आप हिंदू हैं? तो निश्चित रूप से देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, किसान को, मजदूर को, गरीब को, मजलूम को, देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, मणिपुर में किस प्रकार से निर्मम घटना उनके साथ की गई, क्यों विधान लोकसभा को ये खत्म करना चाहते हैं भाई, क्यों लोकसभा की को स्थगित करना चाहते हैं, क्यों मणिपुर में एक बार भी इन्होंने बात नहीं की, मैं तो पूछना चाहता हूं और सीधा सीधा कहना चाहता हूं, सन 2024 में मेरे देश का किसान, मेरे देश का मजदूर, मेरे देश का युवा गुमराह नहीं होगा, वो निश्चित रूप से बदलाव की ओर जाएगा, और अपील भी है। न्यूज़ से मैं था आपके साथ नदीम अकरम, जो कि नू में हुआ और नू की घटना को तमाम जाट समुदाय के लोग, हमारे हिंदू भाई किस तरीके से देख रहे हैं वो तस्वीरें देश की जनता के सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा तबका जो कि हरियाणा में जाट समुदाय का है वो खुल करके भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ खुल करके खड़ा हुआ, और देश के युवा भी उनके मैसेज को समझ रहे हैं, जिसे तमाम लोगों के जरिए मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश यूँ ही करता रहूँगा।